हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बिल्कुल हेल्दी रहता हो, बिना दवाई खाए, बिना डॉक्टर के पास जाए? और क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते हैं जो हमेशा बीमार ही रहता हो, या तो वो दवाई खाते हुए दिख जाता होगा या डॉक्टर के पास ही उसके ज्यादातर दिन कटते होंगे? आई एम श्योर आप इन दोनों ही कैटेगरीज में कुछ व्यक्तियों को जानते होंगे। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप इनमें से किस तरह का बनना चाहते हैं? दोस्तों, आज तक मैंने जितने भी वर्कशॉप्स किए हैं, मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ और जितने भी लोगों के सामने मैंने ये क्वेश्चन रखा है, उनमें से सभी लोग यही कहते हैं कि हमें ऐसा बनना है जो बिल्कुल स्वस्थ रहते हो, बिना दवाई के, बिना डॉक्टर्स के और बिना किसी और बाहरी मदद के वो अपने आप में ही हेल्दी रहते हो। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि दिस इज पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव है। आपका माइंड जो है वो इतना पावरफुल है कि आप हेल्दी अपने आप से रह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग रहते हैं ना, तो हम भी रह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसने तो कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं है। वी आर ऑल सेम, हमें एक ही तरह का माइंड, एक ही तरह की बॉडी दी गई है। ये तो हम बड़े होते होते हमारी जो माइंड में प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है उसको हम करप्ट कर देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग वायरस से करप्ट हो जाती है ना, वैसे ही जब हम बड़े होते रहते हैं तो हम आसपास की जितनी बातें देखते, सुनते, महसूस करते हैं, उन सब चीजों की वजह से हमारे अंदर ऐसे बिलीव्स बैठ जाते हैं जिनकी वजह से हम हेल्दी नहीं रहते हैं। बल्कि हेल्दी रहना जो है वो हमारा नेचुरल टेंडेंसी है। कैसे? जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स बिल्कुल सही तरीके से काम करते हुए आते हैं, हार्ट, लिवर, लंग, ब्रेन, एवरीथिंग। तो ये जब काम करते हैं तो आपको तो और मुझे तो अभी तक भी नहीं पता है कि वो लोग, ये जो ऑर्गन्स है वो अंदर कैसे काम करते हैं, पर ये हमारे माइंड को तो पता है ना, तभी तो ये चल रहा है। हमारे माइंड के अंदर ही ये प्रोग्रामिंग है कि कौन सा ऑर्गन किस तरह से काम करेगा। तो ये शुरू में तो बिल्कुल सही तरीके से काम करता रहता है, लेकिन बड़े होते होते क्योंकि हम सारी चीजों को देखते, सुनते, महसूस करते हुए अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ कुछ बिलीव्स बना लेते हैं और अपने आप को अनहेल्दी बना लेते हैं, इन प्रोग्राम्स को करप्ट कर देते हैं। तो आप फिर से इस प्रोग्रामिंग को कैसे सही करें अपने माइंड में, और फिर से हमारे ऑर्गन्स को किस तरह से ठीक से काम करने को हम उस सिचुएशन में ले आए कि वो फिर से वैसे ही काम करने लग जाए और हम हेल्दी हो जाए बिना किसी मदद के। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स करने होंगे, ज्यादा नहीं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। जब आप सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना इजी है। तो सबसे पहला जो है स्टेप वो ये है कि हम अपने को अपनी बीमारियों से, हमने जो आइडेंटिफाई कर रखा है अपने आप को, उसको हमें उस आइडेंटिफिकेशन को मिटा देना है। जब भी हम किसी चीज से, किसी आदमी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं खुद को, तो उसको छोड़ने में हमें बहुत तकलीफ होती है, हम उसको छोड़ नहीं पाते इजीली। देख लीजिए आप अपने परिवार में, अपने माता पिता से, भाई बहनों से, शादी के बाद अपने पति या पत्नी से, बच्चों से और रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, जब भी हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उन रिश्तों को हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही हम उस आइडेंटिफिकेशन को खत्म कर देते हैं तो उनको छोड़ना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे माइंड ने कुछ आइडेंटिफिकेशंस कर रखी हैं कुछ बीमारियों से हमारे, जैसे कि डायबिटीज है, अस्थमा है, हार्ट की बीमारियां है, डिप्रेशन है, इन सब चीजों से जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये हम अपने माइंड से हटा नहीं पाते और हम अनहेल्दी ही रह जाते हैं। कैसे? सपोज आप आइडेंटिफिकेशन आप कैसे समझोगे कि आपने कर रखा है? तो सपोज आप किसी के घर गए, उन्होंने आपको चाय ऑफर की, आपने कहा हाँ जी आज तो मेरा चाय पीने का मन है तो मैं आज चाय ले लूंगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आजकल यही आता है कि चीनी तो लेते हैं ना, तो आप कहते हैं नहीं नहीं चीनी नहीं लूंगा, मैं डायबिटिक हूँ। आपने क्या कहा? मैं डायबिटिक हूँ,
जैसे कि आप कहते हो मैं आपका अगर नाम राम है तो मैं राम हूँ, या आपका नाम है लक्ष्मण तो आप कहते हैं मैं लक्ष्मण हूँ, या मैं गीता हूँ, तो इस तरह से आपका आइडेंटिफिकेशन आपने बना रखा है, मैं डायबिटिक हूँ, मैं एस्थमेटिक हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो जब तक आपने ये आइडेंटिफिकेशन अपने आपका बना रखा है तो वो फिर रोग आपके जाएंगे कैसे? तो इस आइडेंटिफिकेशन को सबसे पहले तो आपको हटाना है। कैसे हटाएंगे इसको? जब भी आपके मन में या कोई आपका विचार आए कि मैं डायबिटिक हूँ, या कोई आपसे कहे और आप कहें कि मैं डायबिटिक हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं डायबिटिक हूँ, आप कहेंगे मुझे डायबिटीज है, मुझे अस्थमा है, मुझे डिप्रेशन है, I have depression, I am not depressed। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि I am depressed, आप कहेंगे I have depression। आप ये नहीं कहेंगे I am diabetic, आप कहेंगे I have diabetes। आप ये नहीं कहेंगे I am heart patient, आप कहेंगे I have heart problem। आप ये नहीं कहेंगे I am asthmatic, आप कहेंगे I have asthma। उसी तरह से जैसे आप कहते हैं I have a car, I have a TV, I have a flat in this city, I have a flat in that city, वो आपके पास है, वो आप हो नहीं, आप कार नहीं हो, आप फ्लैट नहीं हो, आप घड़ी नहीं हो, आप टीवी नहीं हो। तो जब आप ये चीजें नहीं हो तो आप डायबिटिक, एस्थमेटिक, डिप्रेस्ड कैसे हो सकते हो? ये चीजें अभी आपके शरीर के अंदर है, इसीलिए आपके पास वो है, आप वो हो नहीं। तो सबसे पहले तो आप उस चीज से आइडेंटिफाई करना बंद कर दीजिए, आप कहना बंद कर दीजिए कि आई एम डायबिटिक, आई एम एस्थमेटिक, आप कहिए आई हैव डायबिटीज, आई हैव एस्थमा। ये हो गई पहली स्टेज। अब ये भी एक स्टेज, सेकंड स्टेज पे भी अभी तक ये आपके पास है, आप चाहते हो कि ये बिल्कुल नहीं रहे। तो बिल्कुल नहीं रहे तो इसके लिए हमें इस नाम से अलग होना पड़ेगा, और वो कैसे होंगे वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। नाम से अलग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप सपोज शादी होती है तो अमूमन एक लड़की अपना नाम चेंज करके अपने पति का सरनेम ले लेती है और उसे आइडेंटिफाई करने लग जाती है, और उसको छोड़ने में उसे बहुत तकलीफ होती है। पर जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजर जाती है और यहाँ तक आ जाती है नौबत कि वो डिवोर्स ले लेते हैं, तो वो नाम अलग हो जाता है, और उस नाम के अलग होने के साथ साथ ही वो जो सारी सफरिंग्स और पेन होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसी तरह से डायबिटीज, अभी तक हम कह रहे हैं आई हैव डायबिटीज, तो इसको अब से आप ये नहीं कहेंगे कि आई हैव डायबिटीज, अब से आप कहेंगे आई एम हेल्दी, या फिर आप कहेंगे आई हैव डायबिटीज फॉर सम टाइम। शुरू में आप ये कहेंगे आई हैव एस्थमा फॉर सम टाइम, क्योंकि वो हमेशा तो आपके पास था नहीं, पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तो अभी आपके पास थोड़े ही समय के लिए है, इसलिए आप ये कह सकते हैं आई हैव डायबिटीज फॉर सम टाइम, या फिर आप इसको बिल्कुल ही उड़ा दीजिए डायबिटीज का नाम, और आप ये कहिए कि आई एम हेल्दी या आई एम बिकमिंग हेल्दी, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, या मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ, या मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह का आप अपने मन में विचार लाइए। जब भी आपके मन में आप ये, कभी भी किसी भी वक्त आपके मन में ये विचार उठे कि मुझे तो डायबिटीज है, तो उसी वक्त आप कहिए कि मैं तो स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ हो रही हूँ, आई एम बिकमिंग हेल्दी। या फिर आप एक रूल ही बना लीजिए, सुबह 5 मिनट जिस तरह से मेडिटेशन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है और मन ही मन में कहना है कि आई एम बिकमिंग हेल्दी, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। ये क्यों जरूरी है दोस्तों? याद कीजिए, आप जब छोटे थे, स्कूल में थे, तब आपने टेबल्स, मैथ्स के जो टेबल्स होते हैं वो याद किए थे, अल्फाबेट याद की थी, वो क्या अभी तक आपको याद है? याद है ना, ए बी सी डी आपको बोलने को बोले तो आप ए टू जेड एक सांस में बोल देंगे। 2 1 2 2 2 4 2 4 8 2 3 6, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद है। और ये आपने कैसे याद की है? रिपीटेशन से याद की है ना, आप इनको बार 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 बोलते थे, तभी तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक भी गहरे बैठी हुई है। उसी तरह से जब आप अपने मन को ये बोलते रहेंगे
कि आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आई एम बिकमिंग हेल्दी, तो वो चीज आपके मन में इस तरह से बैठ जाएगी कि उसको कोई वहां से हटा नहीं पाएगा। और जब ये एक बार ये बात बैठ जाएगी तो फिर आपको हेल्दी होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये आपका सेकेंड काम रहा कि आपको अपने आप को सेल्फ अफर्मेशंस देनी है, आपको पॉजिटिवली अपने आप से ये बोलना है कि आई एम बिकमिंग हेल्दी, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रही हूं। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं, वो है आपको अपने मन को कुछ दिखाना पड़ेगा। हमारा माइंड जो है वो पिक्चर माइंड होता है। पिक्चर माइंड का मतलब है कि हमारे जितनी भी यादें हैं, जितनी भी मेमोरीज हैं, हम जो भी देखते सुनते महसूस करते हैं, वो सब हम पिक्चर्स की तरह अपने माइंड में स्टोर करते हैं। जैसे कि डॉग का माइंड स्मेलिंग माइंड होता है, वो सूंघ कर हजारों लोगों के बीच में से भी अपने मालिक को ढूंढ निकालता है, उसी तरह से हमारा माइंड पिक्चर माइंड होता है। हम देख कर हमारे परिवार के लोगों को कई लोगों के बीच में से भी पहचान सकते हैं। हम अगर आंख बंद करके सोचे तो हमें अभी अपना घर दिख जाता है, हमारा ऑफिस दिख जाता है। ये सब हमारा पिक्चर माइंड होने की वजह से ये हमारे साथ होता है। तो अगर हम अपने माइंड को कुछ ऐसा दिखाएं जो हम आगे चाहते हैं, तो हमारा माइंड उसको बिलीव करने में मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं जानता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब कभी आप कोई डरावना सपना देखते हैं, तो कभी क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सपना देखते देखते एकदम से डर के जाग गए हैं और आप ये महसूस करते हैं कि आपका पूरा जो बॉडी है वो पूरे पसीने में तरबतर हो रही है, हाथ पैर आपके कांप रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा डर की एक फीलिंग हो रही है? ऐसा होता है कभी? क्यों होता है? आप तो सपना देख रहे थे, डरावना जो भी भूत या जो भी कुछ था वो सपने में था, हकीकत में तो हो नहीं रहा था, पर आपकी बॉडी तो वो सारे सिम्टम्स पैदा कर रही है जो हकीकत में अगर आपने उस भूत को या उस डरावनी चीज को देखा होता तो होते। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इमेजिनेशन में रियलिटी में कोई फर्क नहीं जानता, यानी कि वास्तविकता में और जो उसको इमेजिन कराया जाता है उसमें वो कुछ भी फर्क नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम अपने माइंड को वो चीज दिखाएंगे। एक तो वो पिक्चर माइंड है इसलिए वो जल्दी उस चीज को ले लेगा, और क्योंकि वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता, तो हम उसको इमेजिनेशन में ये दिखाएंगे कि हम हेल्दी हैं। आप एक ऐसी मूवी बना लीजिए अपने माइंड में जहां पे आप बिल्कुल अगर हेल्दी होते तो आप क्या क्या करते, उस तरह की एक मूवी बना लीजिए। सपोज अगर आप हेल्दी होते तो अभी जैसे आप हेल्दी अगर नहीं है, कोई बीमारी है, तो आप कुछ एक रूटीन करते होंगे दिन में, जैसे कि अगर डायबिटीज है तो ब्लड का आप शुगर चेक करते होंगे या इंसुलिन लेते होंगे, और अगर आप एस्थमेटिक है तो आप वो जो मशीन होती है ब्रोंकाइटिस वाली, वो वाली जो आपकी वो आप यूज करते होंगे, या कोई भी ऐसी बीमारी किडनी की बीमारी है तो डायलिसिस लेते होंगे। तो ये सारी चीजें आप अपनी मूवी में मत डालिए, आप अपनी मूवी एक दिन की बनाइए अपनी रूटीन की, जिसमें आप ये सारे काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो काम कर रहे हैं जो आप अगर हेल्दी रहते तो करते। कैसे? सपोज आप सुबह उठकर आप वॉक पे जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जो भी आप अपनी हॉबीज हैं उनको परस्यू करते हैं, कुछ और काम जो आपने बीमारी की वजह से नहीं कर रहे हो वो काम आप करते हैं, वो चीजें आप अपनी मूवी में डालिए। एक मूवी बनाइए जिसमें आप ये सारे काम कर रहे हैं, और ये मूवी बिल्कुल एक या दो मिनट की, बल्कि एक मिनट से भी कम की भी हो सकती है, वो मूवी आपको बना के और अपने माइंड में चलानी है। दिन में सपने देखते हैं ना, वैसे ही डे ड्रीमिंग इज वेरी यूजफुल, गाइडेड डे ड्रीमिंग। हमें इसको बिल्कुल अपने तरीके से अपने मन को ये समझाना है कि ये चीज मैं चाहता हूँ, ये चीज मैं चाहती हूँ, मैं हेल्दी होना चाहती हूँ और इस तरह से हेल्दी होना चाहती हूँ
कि मैं ये सारे काम सारे दिन में कर सकूं। वो एक मूवी बनाइए और उस मूवी को आप रोज अपने मन में देखिए। कब कब तो आप सुबह जैसे 5 मिनट अगर आप सेल्फ एफर्मेशन कर रहे हैं, जब आप ये बोल रहे हैं मन में कि आई एम हेल्दी या आई एम बिकमिंग हेल्दी, उसी टाइम पे आप ये मूवी चलाते हुए इसको बोलते रहिए। या फिर आप जब भी फ्री हो, थोड़ा सा आप ऑफिस जाने के लिए बस में या मेट्रो में बैठे हैं, तो आप आंखें बंद कीजिए, आराम से उस मूवी को देखिए और खुश भी हो जाएंगे आप बहुत। करके देखिएगा, बड़ी काम की चीज है और ये बहुत ही आपको अच्छी फीलिंग भी देती है और आपको हेल्दी बनाती है। पर इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी आप कोई दवाई ले रहे हो किसी बीमारी की, तो उसको बंद मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठी नहीं है कि आप हेल्दी हैं। जब आप ये सारी चीजें करते रहेंगे, तीनों चीजें आप करते रहेंगे, एक तो आप अपने इसको आइडेंटिफिकेशन को हटाएंगे बीमारी से, दूसरा आप ये करेंगे कि आप सेल्फ अफर्मेशंस देंगे आई एम बिकमिंग हेल्दी, और तीसरा आप ये मूवी बना के देखते रहेंगे, तो बहुत जल्द आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को मान लेगा कि आप हेल्दी हो और वो सारे सिम्टम्स पैदा करेगा। याद रखिएगा वो रियलिटी और इमेजिनेशन वाली बात कि माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं जानता है। जैसे ही आप उसको ये बिलीव करा देंगे कि रियलिटी ये है कि मैं हेल्दी हूँ, तो वो आपको वो सारे सिम्टम्स देगा जो हेल्दी होने के सिम्टम्स होंगे। और आप जब आप नेक्स्ट टाइम अपने डॉक्टर के पास जाएंगे या दवाई लेने के बाद आपको अनईजी लगेगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराएगा, उसके बाद वो खुद ही डॉक्टर बोलेंगे कि अब आपको ये दवाई लेने की जरूरत नहीं है, और उस टाइम पे आपको दवाई छोड़िए। तो इसी आशा के साथ कि आप बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे, बिल्कुल आपको किसी डॉक्टर की किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, या आप क्या और चाहते हैं जानना वो भी लिखिए। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन।